वैसे तो बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि मनीषा रानी और एलवी सादो का रियूनियन हो, बट क्या कभी इनका रियूनियन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इस बारे में आपको बता दें कि आज एलवी सादो इसी के लिए मनीषा रानी के पास गए थे, बट वो थोड़ा सा रात को गए थे यानी कि 10:30 बजे, और जब वो मनीषा रानी को कॉल किए तो मनीषा रानी ने मना कर दिया कि 2 बजे तक कुछ उनका है। फिर एलवी सादो इसके रिप्लाई में बोले कि ठीक है 2 बजे ही मिल लेते हैं, बट मनीषा रानी ने फिर भी मना कर दिया। वो बोली कि मैं दिन में मिल सकती हूँ, रात में किसी लड़के से नहीं मिलती हूँ। उसके बाद फिर एलवी सादो ने बोला कि चलो फिर दिन में ही मिल लेते हैं। फिर मनीषा रानी ने इसका रिप्लाई दिया कि कल दिन में भी शायद 7:00 बजे तक मेरा कोई इंटरव्यू वगैरह होने वाला है, तो कल दिन में भी थोड़ा सा कम चांस है। तो इसका फुल कॉल रिकॉर्डिंग एलवी सादो अपने चैनल पे डाले हैं, तो उसका एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा देते हैं। हाँ तो 2 बजे मिलते हैं। 2 बजे आ जा। तो 2 बजे आ जा। सॉरी हम रात को किसी लड़की से नहीं मिलते। मैं तो लड़की हूँ ना। अरे बाहर मिलेंगे, रोड पे मिल लेंगे, हम गोलगप्पे की रेडी भी लगाते हैं। अरे ऐसे ऐसे कैसे मिलेंगे आपसे? जब मिलेंगे तो अच्छे से मिलेंगे ना, ऐसी रोड के किनारे मिलेंगे क्या? ऐसे तो भाई हम तो बुला रहे हैं तेरे को, हम तो भाई इनवाइट कर रहे हैं। जब तेरा दिल करे, जब तू खाली हो जाए, फ्री हो जाए, तब आ जियो, फोन मार दियो। एल्विस आपको मनीषा लाने के लिए अपना भाई मैंने तेरे लिए रात निकाल दी यार, दिन नहीं रात निकाल दी भाई। आप रात निकाल लीजिए, हम दिन में मिलेंगे, मेरा रात वाला सीन भी चलता है। अच्छा वो शरीफ भी था, मेरा प्यार मोहब्बत दोस्ती सब दिन में होती है। चल ठीक है, दिन में कल अगर मैं नहीं गया लंदन तो मैं तेरे से मिलता हूँ, ठीक है? अब ठीक है, हाँ कल दिन नहीं, कल कभी बिजी हो कल बताते हैं। कल 3 से 5 बजे तक मेरा इंटरव्यू सेक्शन। ले भाई ले भाई, 5 बजे के बाद जब आप बोलिए ना तो हम मिलेंगे, अगर मतलब 5 शाम के बाद, फिर आप जब भी बोलिए उस अकॉर्डिंग में लेट कर सकते। ठीक है, शाम के 5 बजे के बाद, अंधेरे से पहले मैं बता दूंगा, कभी तू कह दे कि अंधेरे में नहीं मिलती हूँ। नहीं फिर 11:30-11 बजे तक मिल सकते, बट अभी तो ऐसा है कि अभी बज ही रहा है 11:30 बजने वाला, और हम बाहर भी, अगर हम रहते इधर अंधेरी साइड रहते तो हम आ जाते, बट अभी हम है वसई साइड और आते आते फिर वही रात हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो दोनों तरफ से दोनों लोग बिजी है, तो बहुत कम चांस है कि इनका रियूनियन हो, बट फिर भी रियूनियन तब हो सकता है जब एलवी सादो और मनीषा रानी दोनों एक साथ फ्री हो जाए, और ये हो सकता है कि एलवी सादो कल अगर लंदन नहीं जाते हैं तो कल ही रियूनियन